Now we should start chapter number 7, Manners in the Computer Lab. We should take a special care of computers to keep them safe and we must act properly in the computer lab. हम जो कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो उसकी कुछ स्पेशल केयर हमें करनी पड़ती है और उसके लिए कुछ प्रॉपरली एक्ट जो हमें इस चैप्टर में समझाए गए हैं. लेट अस लर्न द करेक्ट मैनर इन द कंप्यूटर लैब. फर्स्ट, फ्रॉम अ क्यू टू एंटर द कंप्यूटर लैब वॉक इन अ क्वाइटली. हमें कंप्यूटर लैब में क्यू में जाना चाहिए और कैसे, धीरे चल के. सेकेंड, रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब में एंटर होने से पहले हमें हमारे शूज बाहर ही रिमूव कर देने चाहिए, उसके बाद ही हमें कंप्यूटर लैब में एंटर होना चाहिए. नेक्स्ट, ऑलवेज कंसल्टिंग योर टीचर्स और एल्डर्स बिफोर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. हमें हमेशा हमारे टीचर्स जब हमें ऑर्डर्स दे तो उसको फॉलो करके ही कंप्यूटर पर वर्क करना चाहिए. ऑलवेज सीट स्ट्रेट ऑन योर चेयर इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर. हमें हमारी सीट पर फ्रंट होके बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, दैट्स अ बैड मैनर्स. डू नॉट सीट टू द क्लोज टू द मॉनिटर, इट हार्म्स योर आइज. मॉनिटर को ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए हानिकारक है. डू नॉट मेक अ नॉइस इन द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब में नॉइज़ जनरेट नहीं करनी चाहिए, हमें साइलेंटली बैठना चाहिए. डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल इज डिस्टर्ब द वायर कनेक्शन. कंप्यूटर टेबल को पुश नहीं करना चाहिए, उससे उसके वायर कनेक्शंस है वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए या फिर डिस्टर्ब्स हो जाएंगे. डू नॉट ईट अवर ड्रिंक इन द कंप्यूटर लैब, कीप इट अ क्लीन. कंप्यूटर लैब में खाना नहीं खाना चाहिए, अवर पानी और कुछ भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, हमें कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर लैब को क्लीन रखना चाहिए. ऑलवेज प्रेस द की ऑफ द कीबोर्ड जेंटली. कीबोर्ड की की है उसको जेंटली प्रेस करनी चाहिए. वेट फॉर योर टर्न इफ़ यू आर शेयरिंग द कंप्यूटर. हमें अपने टर्न के लिए वेट करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट, डू नॉट क्लिक द माउस बटन कंटिन्यूसली. माउस बटन को कंटिन्यूसली प्रेस नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच द वायर्स केबल्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन. जब कंप्यूटर शुरू हो तो वायर कनेक्शन को इस तरह से नहीं छूना चाहिए. कवर द कंप्यूटर विद द डस्ट कवर आफ्टर यूजिंग इट. कंप्यूटर को हमें कवर से पैक करके रखना चाहिए ताकि उस पर डस्ट ना जाए. थैंक यू.